हेलो फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा उद्योग जो हमारे देश में इतनी तरक्की कर रहा है कि उसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी होते जा रही है दोस्तों। इस मंदी के समय में और इतनी महंगाई के समय में एक ऐसा व्यापार है जो मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों हम आप एक बात बता देते हैं कि हमारे पूरे 2900 राज्य में एक ऐसी राज्य है जहाँ पर शराब की कीमत सबसे ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर शराब की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। एक आंकड़े के अनुसार ये पता चला है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सरकार को 50% राजस्व प्राप्त हुआ है इस उद्योग से। और दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि पिछले साल जो हमारी शराब की बिक्री थी वो लगभग 200 करोड़ रुपये थी और इस साल वह बढ़ करके 300 करोड़ रुपए हो गई है। यानी दोस्तों हमारी सरकार को इस उद्योग से लगभग 50% ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। विभागीय अधिकारियों की माने तो यह जो बढ़ोतरी हुई है वो इस साल लगातार ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ये आंकड़े उस समय के हैं जब शराब की दुकानें दोपहर में 12 बजे खुलती हैं और रात में 10 बजे बंद हो जाती है। मतलब इतनी कम समय में बिक्री दोस्तों इस उद्योग में इतना ज़्यादा है और सरकार को राजस्व इतना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। मतलब दोस्तों महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, इससे यह पता लगता है कि शराब के उद्योग में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ना शराब पीने वाले के शौक जितने शौकीन उन पर कोई असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।